नमस्कार, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया बिहार। दोस्तों, बात करने वाला सिवान शहर में। अचानक मुझे मुलाकात हुआ एक सूफी संत कौस्तर बाबा वारसी से, जो कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे चैनल पे। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और इनका शुक्रिया करना चाहूँगा कि अपना समय हमें हमारे चैनल को दिया। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और हम जानेंगे कि इनका जीवन कैसे जीते हैं। एक्चुअली ये रहने वाले हैं कहीं और के, और आज अचानक सिवान शहर में आए हुए थे और मुझे इनसे मुलाकात हुआ तो मैं सोचा कि इनका इंटरव्यू लूँ। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त जिला वासियों को मेरे तरफ से सलाम, प्रणाम, आदाब और नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद बाबा जी। ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ बाबा कौशर अली शाह वारसी। ऐसे मैं केमिस्ट्री से PhD भी किया हूँ और लौकिक फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। और शाहगंज स्थित सनबरसा के करीब एक मजार है। शाहगंज सनबरसा नौका बाजार के करीब एक मजार है। हाँ। हजरत बाबा पहलवान शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार है। जी जी। वहाँ मेरा खानकाह है, वहीं पे मैं रहता हूँ। खानकाह जैसे धर्मशाला मठ होता है उसी टाइप का। ठीक है। वहाँ पे करते क्या है? जी, हम वहाँ पे मजार पे रहते हैं और हमारे जो हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का प्रतीक एक चीज कायम किया है हमने। अच्छा। हर धर्म हर वर्ग के लोग मेरे पास जाता है। हाँ। कुछ ज्ञान की बातें होती है, कुछ दुआ हुआ होता है, दुआ सलाम करते हैं। जी जी परेशानी होता है। जी जी। मान लीजिए किसी परेशानी होता है, दुआ करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं, उनको उनकी परेशानी को दूर करते हैं। जी, यही यही आप काम करते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा बाबा जी वारसी। जी, तो ये बताइए बाबा जी, आपका उम्र, आपका जो ज्यादा तो उम्र नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आपका 30, 32, 33, 35। हाँ, मेरा उम्र जो है 27/7/1994 का जन्म है। अच्छा अच्छा। और मैं अपने पैतृक गांव में ही, मेरे माता पिता रहते हैं, मेरा शिक्षा दीक्षा बाराबंकी देवा शरीफ से हुआ। अच्छा। मेरे पीरो मुर्शिद गुरुदेव का नाम है बाबा सैयद सूफी हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह। जीवन आप जी रहे हैं जी, आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं? जी, मैंने अभी अविवाहित ही है। ये जो लिबास है ये हरामी लिबास है। एहराम, एहराम इसको बोला जाता है। एहराम का हिंदी होता है ये, मानिए तो एक कफन है, सिर्फ इसका कलर जो है चेंज है। अच्छा अच्छा। जी, ये सिर्फ एक कफन है, चेंज है कलर, में वाइट होता है और ये गेरुआ कलर का है। गेरुआ कलर का है जी। तो ये जो जीवन जी रहे हैं, तो इस जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ कि बाबा जी, इस जीवन में आपने, जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे हंसी भी आ रहा है और मैं माफी चाहूँगा आपसे कि मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग आपके जीवन के बारे में जानना चाहें। जैसे हम भी, जैसे एक्चुअली बता दूँ कि दोस्तों में था तो कि इनसे कोई मुलाकात होने का कोई चांस नहीं था। मैं एक्चुअली अभी गया था तरवारा मोड़ तरफ और वहाँ पे किसी और लोग का इंटरव्यू लेने गया था। अचानक मेरे रास्ते से गुजर रहा था तो मैं, ये बाबा जी बाबू होटल के बस खड़े थे, अचानक मेरी निगाह इन पे पड़ी। तो मेरा जो निगाह था, मैं सोचा कि इस शख्स से, इस इंसान से मुझे एक बार मिलना चाहिए। पता नहीं क्यों, ये ऊपर वाले की महिमा कृपा है, मैं जान नहीं पाऊंगा कि क्या महिमा क्या नहीं है, लेकिन मैं अचानक सोच रहा था कि क्यों इनसे मुलाकात करूं, क्यों नहीं इनसे जानूं कि कुछ बातें, हो सकता है कि कुछ इनसे सीख जाऊं। तो मैंने इसी इनसे मुलाकात किया रास्ते में रुक कर, और आप देख सकते हैं कि मैं खड़े खड़े हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो वक्त लौट नहीं आता है। और जीवन में किसी ने कहा है कि अच्छा काम करने के लिए हर वक्त, हर समय और हर जगह सही होता है। इसीलिए मेरा मन है कि मैंने इनसे, बाबा जी से इंटरव्यू लिया और इनसे बात किया, खास मुलाकात किया इस प्राइम न्यूज इंडिया। बाबा जी बताइए कि जो आप जीवन जी रहे हैं, इतनी कठिनाई करनी पड़ती है आपको, आपने घर परिवार छोड़ दिया है, आप त्याग दिए हैं सुख चैन, मुझे लग रहा है कि सुख चैन जैसे चोगा चौंद की जो दुनिया आपने त्याग दिया है, एक बाबा के तरह आप जीवन जी रहे हैं, वहाँ रहते हैं। कुटिया में तो गए नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं चाहूँगा कि मैं आपके पास आऊँगा, देखूँगा आपके कुटिया कैसा है, कैसे जीवन जीते हैं। लेकिन ये जो जीवन जीते हैं, क्या है इस जीवन का रहस्य, क्या है राज, क्या है इस जीवन जीने का राज? यही है, देखिए भारतवर्ष जो देश है ये सूफी संतों का देश रहा है, सूफी संतों का देश रहा। और यहाँ पे प्रेम बांटने का परंपरा रहा है सूफी संतों के द्वारा, और सामाजिक सौहार्द को कायम रखने में अहम भूमिका रही है। जी जी। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज में या दुनिया में कठिनाई चल रहा है, इन सब चीज़ों का त्याग करके और जो है अपने एक अच्छे मार्ग पर चलें और सबसे मेल मिलाप रखें। एक जो है धार्मिक सांप्रदायिकता विद्रोह हम लोगों के बीच जो फैला हुआ है, इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सारे लोग मिलजुल कर रहें और शांति और अमन का अपना देश कायम करें। चलिए, धन्यवाद।
बाबा जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे देशवासियों को, हमारे सिवान वासियों को, हमारे बिहार वासियों को शुभकामनाएं दीजिए आने वाले दिनों में, रक्षाबंधन 15 अगस्त की शुभकामनाएं दे दीजिए, मुहर्रम शुक्रात की शुभकामनाएं दीजिए, और हमें तमाम जो इस देश में वातावरण है, जो माहौल है, अभी माहौल क्रिएट हुआ था कोरोना काल का लेकर, इस सब के लिए दुआ करिए। मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे परिवार के लिए दुआ करें, हमारे जितने सिवानवासी में लोग हैं जो जीवन जी रहे हैं, सबके लिए दुआ सलाम करिए कि जीवन में वो आगे बढ़ते रहें। वैसे तो मैं दुआ के ही लिए अपने जिंदगी को समर्पित करने के लिए एकदम बिल्कुल एकाग्र हैं और उसी पथ पर चल रहे हैं कि सारे लोगों का कल्याण हो, भलाई हो, एक दूसरे से खूब प्रेम रहे। ये जो महामारी आया हुआ है ये टल चुका है और टल जाएगा, इसलिए कि ये सूफी संतों देवी देवताओं का देश है भारतवर्ष, इसका कोई बाल बांका आज तक ना किया है ना, और ना होगा। ये बताइए बाबा जी, आप मतलब कैसे आना हुआ सिवान शहर में? आपका जो कुटिया है सिवान जिला ही पड़ता है जी, सनबरसा महाराज इधर पड़ता है, बाल बांका इधर पड़ता है क्या? जी जी, उधर कुटिया यहाँ है। वैसे मैं दीक्षा शिक्षा मेरा है देवा शरीफ बाराबंकी हाजीवारी समीसा। अच्छा, वहाँ से आप शिक्षा दीक्षा लिए हैं? जी जी। आपके महाराज कौन है? मतलब मेरे गुरु जी का नाम है जो हमको दीक्षा लिया है, ये हमको 13 साल हो गया, हम 13 साल की उम्र में। आपने जिन्ना शरीफ भी किया है? जी जिन्ना शरीफ जी, ये बी ए कॉम आपने बोला कि क्या किया है? जी हम केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, केमिकल साइंस से हमने PhD किया, उसके बाद जी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं जी। मतलब आपने 94 बोला, हमको लगा आपका 25-24। हमने जो है एक साल भी ड्रॉप नहीं किया, नहीं मैट्रिक के बाद कभी फेल किया है। केमिकल साइंस से जो PhD किया है, कहाँ से किया आपने? जी मैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से किया है, और अभी लॉ की पढ़ाई हम SKG लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर से एडमिशन लिया है। अच्छा, लॉ का स्टडी कर रहे हैं जी? ये क्या अभी फिलहाल ही मतलब ऐसा क्यों करेंगे? अभी स्टडी इधर से कर रहे हैं, अब बाबा जी हैं, मतलब एक मतलब धार्मिक जीवन जी रहे हैं, फिर आपने ये साहित्य जीवन जी रहे हैं, और फिर ये जनरल जीवन जीने का मतलब क्या? मतलब क्या रीजन ये जो चोला पहने हुए हैं, हमारे पास जो हर तरीके के लोग आता है, हमें सबको अपने, मेरा ये शौक है ज्यादा से ज्यादा शिक्षा लूँ, ये मेरा शौक है पढ़ना, ज्यादा शिक्षा लूँ जी, शौक है जी जी, लोग बीच एक शिक्षा देना, हाँ अच्छा मैसेज पहुँचे कि ताकि हमको भी लोग कर दे, युवाओं को प्रेरणा हो। आज 12 अगस्त है, आज शाम का समय, आपको कैसे मतलब आना, कैसे वहाँ पे कैसे क्या मतलब करने आए थे? माफी चाहूंगा मैं ऐसे नॉर्मल पूछाऊंगी, मतलब आपका कुछ ना कुछ तो मूवी में, क्योंकि आप जैसे इंसान समय का बहुत पाबंद होंगे, समय को लेकर। हम जो है वैसे अभी आ रहे थे इधर देवरिया साइड से। अच्छा, देवरिया से आ रहे थे, तो हम लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ जो सोचे कि दाल रोटी वगैरह कुछ खा ले। अच्छा, तो अच्छा, खाने के लिए रुके। अब बाबू मुर्गे मतलब यही तो कि कुछ खाना भोजन कर ले, इसलिए रुके। आप लोग देवरिया से आ रहे थे जी जी, फिर अब जाएंगे कुटिया पे जी, कुटिया पे आए जाएंगे, फिर कल देवरिया चले जाएंगे। तो अभी मतलब फिर कुटिया जाए, फिर देवरिया चलेंगे, मतलब ऐसे क्यों? अब वहाँ कल काम है, प्रोग्राम है। रुके नहीं वहाँ पे? आज रात में रुकेंगे यहाँ। वहाँ क्यों नहीं रुके? वहाँ नहीं रुके कि यहाँ मैंने रात में कुछ काम है, गेस्ट लोग आया हुआ है जी। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया बाबा जी, आपने बहुत बहुत समय दिया, आपने बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए, हमारे सिवान के लिए, हमारे सिवान जिला के लिए, सभी के लिए दुआ। मैं आने वाले 15 अगस्त के पर सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और तमाम युवाओं से मैं ये संबोधित करके, प्रेरित करके बोलना चाहता हूँ कि तमाम लोग जो है एकजुट रहे, ताकि मेरा देश हमेशा की तरह एकदम हर चीज से सामना करने के लिए तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। देखा ये बात की हम अचानक सिवान शहर सिटी में मुलाकात हुआ मुझे सूफी संत कौशल बाबा जी वारसी से, जो कि अपने जीवन में एक साहित्य जीवन जी रहे हैं, एक धर्म के पक्ष में जीवन जी रहे हैं, मतलब कहा जाए कि ये लोगों की भलाई के लिए दुआ सलाम करते हैं। इनका कुटिया है तागस सनबरसा में, इनका कुटिया है, और ये शिक्षा दिशा लिए हैं बाराबंकी देवा शरीफ से, शिक्षा दिशा लिए हैं, और अपना तमाम जीवन अब लोगों की भलाई में यापन कर चुके हैं, और त्याग अपना सुख संपत्ति त्याग करके अपना जीवन लोगों की भलाई में लगा चुके हैं। तो अचानक मुलाकात हुआ था, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। प्राइम न्यूज़ इंडिया भी आपका स्वागत रहे।